इज सैटरडे और बस ये देखिए अभी निकल दो ना उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग अनी, गुड मॉर्निंग अनिका, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा मूड ऑफ है उसका, बहुत जल्दी मूड ऑफ हो जाता है पता नहीं किस बात से। तो बस आज देखिए ये 10 o'clock हो रहे हैं, हो गए होने लगे हैं। मेरी पूजा मैं सबसे फ्री हो गई हूँ और ये लोग भूखे हैं, तो अब इन लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा है। आज अमन भी है तो वो भी स्कूल नहीं गया है और अभी बस वो भी फ्रेश फ्रेश हो रहा है और इस तरह से टीवी और मोबाइल का सिलसिला भी चालू हो चुका है। तो चलिए सैटरडे छुट्टी का दिन जो भी करती है अपनी अनी का वो हम आपको दिखाएंगे। ये मैंने आज दही मंगाया हुआ है और आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो इस तरह से मैंने पैकेट वाला दही मंगाया है और आज हम बनाएंगे कढ़ी। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब अनिका तो उठ चुकी है, मम्मी जी उठ गए हैं, लेकिन अभी रूम कितना ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और मैं सोच रही थी भैया जी उठ गए हैं क्योंकि वो लेटे लेटे कुछ बात कर रहा था, तो लेकिन अभी भी वो सो ही रहा है देख सकते हैं आप। और ये देखिए रूम की हालत, तो अब इसको मैं फटाफट से अच्छे से सिस्टमेटिकली रख देती हूँ क्योंकि सब उठ चुके हैं। तो अब इसको मैं जमा लेती हूँ, देखिए रजाई वगैरह क्योंकि एसी चलाते हैं तो इन लोगों को इतनी गर्मी में भी रजाई ओढ़ना पड़ता है। तो ये रजाई है मम्मी की, फिर ये काफ़ी बड़ा ब्लैंकेट है तो ये इन लोग ओढ़ते हैं तीनों बच्चे। तो इस तरह से चलिए हम सब कुछ अच्छे से समेटते हैं और मिस्टर भैया जी को भी उठाया जाता है। बस ये देखिए इस तरह से बेड तो मैंने अच्छे से साफ कर ही दिया है और भैया जी अभी नहीं उठ रहे हैं तो अभी वो लेटे ही हुए हैं, देखते हैं जब उठेंगे। बाकी तो यहाँ मैंने और जितना भी रखे हुआ था जो भी यहाँ पर इन लोगों का पिलो वगैरह वो तो मैंने सेट करके रख दिया है। और बस अब हम चल देंगे और किचन में स्टार्ट करेंगे कढ़ी बनाने का काम। तो अब मैं लगने वाली हूँ लंच की तैयारी में, तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं कढ़ी। तो ये देखिए इस तरह से कढ़ी की तैयारी हो गई है। ये दही मैंने फेंट लिया है, थोड़ा सा बेसन इसमें डाला हुआ है, फिर ये जो तड़का लगाने का सामान होता है राई जीरा मेथी लाल खड़ी मिर्च और जो आपकी मीठी नीम होती है कड़ी पत्ता वो, और ये इस तरह से जो ये मैं गंजी में बनाती हूँ बड़ी सी, तो इसलिए इसको गर्म होने रखा है। अब इसमें ऑयल डालती हूँ और साथ में ही मैं पूजा करने जब गई थी तो मैंने इस तरह से दाल और राइस को भिगो के रखा हुआ था। आजकल मैं इस तरह से भी भिगोने लगी हूँ, इससे जल्दी पकता भी है दाल और राइस। तो बस इस तरह से रख दिया है, तो मैं कुकर लगाती हूँ, एक मैं ये रखूँगी। दाल वैसे कढ़ी के साथ नहीं खाते हैं हम लोग, दाल अमन के लिए बनाना होता है क्योंकि वो कढ़ी नहीं खाता है। अवनी नहीं होगा तो बहुत पसंद है लेकिन अमन नहीं खाता तो उसके लिए दाल बनाते ही है। हमारा कुकर भी जब तक हो गया है और कढ़ी जो है उसको बघारा था ये खोल रही है,
साथ ही में मैंने आटा तो सान ही लिया था और बेसन का घोल बना के रेडी कर लिया है, जो हमको पकौड़ी बनाना होगा जो हम अपनी इस ये कढ़ी में डालेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए भैया जी भी अभी उठे हैं, तो ये इस तरह से बेड फिर से वही मैसी सा हाउ हो चुका है। तो चलिए इसको भी हम फटाफट से ठीक करते हैं। और यहाँ ये इनकी छुट्टियाँ हैं, तो ये देखिए क्या मस्त खेलना स्टार्ट हो गया है फिर से। ये खुश हूँ, काय के लिए खुश हूँ ऐसे। और ये भैया जी अब ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ सामान फैलना स्टार्ट। ये देखिए आप, पूरा जो हमारी गैलरी है वो फिर फैलने लगी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, गैलरी फैलाने में मजा आता है ना, मम्मा का काम बढ़ाने में मजा आता है तुम लोगों को, है ना। तो ये देखिए इस तरह से पूरा घर फैला हुआ है, कहीं खिलौने, कहीं बाल्टी, फिर ये चेयर पूरी उल्टी करके रख दी है, पता नहीं क्या किया है। मम्मी जी इस तरह से जल्दी उठ गए थे तो आज फिर से वो पूजा वगैरह करके फिर से रेस्ट करने लगी है। और मैं अब आ चुकी हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, आटा भी अच्छा सेट हो चुका है, तो फटाफट से चलिए रोटियाँ बना लेती हूँ। इनका भोजन ये रेडी, नहाना थोड़ा इनका करा दिया है मैंने। और ये देखिए अभी आज इन लोगों का टेबल के नीचे सारा सामान इन लोगों ने जमाया है, मैं अभी दिखाती हूँ इनको। इनका लंच हो चुका है, कढ़ी दोनों को बहुत पसंद है, कढ़ी और राइस दोनों ने खा लिया है बहुत अच्छे से। और अब जो है टेबल के अंदर घुस के क्या खेल रही है वो हम आज आपको दिखाते हैं क्या कर रही है। चलिए तो हम उनसे पूछते हैं ये क्या। हाँ, इस तरह से इनका घर बना हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हो यहाँ पे आप लोग? अच्छा, और खाना खा लिया ना? हाँ। कैसे लगी कढ़ी? अच्छी लगी आपको निका? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी लगी कढ़ी। दोनों को कढ़ी राइस बहुत पसंद है, क्या बोल रही हो? मम्मा के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। ओ, मम्मा के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, वाह। तो ये देखिए यहाँ नीचे पूरा सामान आज नीचे फैला हुआ है, इस तरह से ये घर बना हुआ है। हाँ, कल ऊपर फैला हुआ था, आज यहाँ फैला हुआ है। और ये टीवी पे हमने लोगों ने अपना ब्लॉग लगाया हुआ है। हाँ, सब उल्टा पुल्टा करती रहती है ये लोग, बहुत फैलाती है घर वाले। ये देखिए फ्रेंड्स, अब शाम में जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं दिया रखने, लेकिन आज जो है किस तरह से बारिश होने लगी है, काफ़ी तेज़ हो रही है। तो जैसे ही बारिश रुकेगी तब हम जाएंगे, जब तक घर में ही बैठे हुए हैं, घर में तो पूजा वगैरह हो गई है। ये अब नियनी का थैला लेके कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो? थैला लेके? क्या है थैले में? ये देखो, पूरा किचन का सामान। तो मंदिर में किचन का सामान में क्या करोगे? हम मंदिर में खेलेंगे। आपके थैले में क्या है? अनिका के थैले में, वाओ, अरे क्या रखी है, देखो। मंदिर में ये सब लेके जाके क्या करेगी, क्या करोगी बताओ जल्दी? तो बजाऊंगी मंदिर में। अच्छा, आरती करने के लिए आप बजाओगी, है ना? क्या चलाओगे आप इससे? हाँ, किचन का सामान और एक बजाने का सामान। वाह, चलो। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, पानी अब जाके रुक रहा है, देखिए 8 बजने लगे हुए हैं। और अब हम लोग निकलेंगे मंदिर, क्योंकि से आज मतलब नहीं तो हम लोग 6:30-7 बजे तक मंदिर हो ही आते हैं। तो ये देखिए लोग रेडी हो गए हैं और इतने में आ चुके हैं अमन भी, ट्यूशन गया हुआ था, 6:30-8 उसकी ट्यूशन रहती है, तो वो भी आ चुका है। और हम लोग सोच रहे हैं गीला हुआ है, पर नहीं हुआ है, हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है वैसे, पर अभी वो गीला नहीं हुआ है। तो चलिए बस ये अब यहाँ घर में रहेगा। और हम लोग अब वैसे पैदल जाते हैं टहलते हुए, तो मम्मी भी जाती हैं और साथ में हम लोग सभी लोग मतलब जा के और दिया रख के आ जाते हैं। लेकिन आज बारिश हो रही है तो बाइक से मतलब बाइक से ही हम लोग जाएंगे। बारिश अभी रुक गई है लेकिन हाँ गीला है पूरा। तो अनिका नहीं जा रही है, अवनी बस हम लोगों के साथ जा रही है।
बस मंदिर से लौट के आके फटाफट से मैंने राइस लगाया, और राइस लगाने के बाद सभी की डिनर की प्लेट लेके तैयार कर लिए। तो आप लोग भी आ जाइए, सभी लोग हम लोग साथ में डिनर करेंगे। तो इस तरह से पापड़ तलिए, भिजौरा तलिए, कढ़ी के साथ ना पापड़ भिजौरा बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही कर लिया है, सिंपल सा ही खाना है। फ्रेंड्स आप भी आइए और हम लोगों के साथ डिनर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह से लंच मतलब डिनर अब हम लोगों का हो गया, सब एक साथ बैठ के डिनर कर लिया है सभी ने। आज सब कुछ रखा ही हुआ था, कढ़ी बनी थी तो वो भी रखी हुई थी, और बस राइस मैंने गरम गरम बनाया है, और थोड़ी सी रोटियाँ कम हो रही थी तो वो हमने सीखी। और बस हाँ, कढ़ी इनकी फेवरेट है, अग्नि की भी और अनिका की भी, दोनों की, दोनों बहुत अच्छे से राइस खाया है आज, है ना। और बस अब जो है होमवर्क मिलता है वीकली, इनका होमवर्क जो आता है वो मैं बस ये देखिए निकाल रही हूँ लोगों के बैग से, और फिर बस उनको होमवर्क कराऊंगी। तो चलिए ये इनका स्टडी टाइम स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, तो चलिए हम चलते हैं और इनका होमवर्क कराते हैं। फ्रेंड्स तो एक चीज़ अनिका कुछ कहना चाहती है, फिर हम जाके पढ़ाई करेंगे, क्या बोलना है? पहले पढ़ाई करेंगे और फिर खेलेंगे, तो चलो चलते हैं अभी पढ़ाई कर लें। ने ये देखिए क्या हाल किया है घर की दीवारों का, ये देखिए आप, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उन लोगों ने ना गोदा हो, पूरा रूम तो कर ही चुकी है। दिखा रही हूँ कि ये क्या क्या करी है, कितना गोदी है, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ गोदा नहीं है अभी। हाँ बचपन की है, अब बचपन की हो गई, और ये अब दीवार उनको कम पड़ गई है, तो ये देखिए फ्लोर पे भी लिखा जा रहा है पूरा फ्लोर पे। है दिवाली है, अच्छा तो ये रंगोली है मतलब, हाँ, ओ अच्छा चौक से रंगोली बनाई जा रही है, फिर इसमें कलर फिल करो, तो ये इस तरह से देखिए लोगों की रंगोली बनी है, दीवारों पे भी रंगोली बनाई है क्या ये? तो ये सब क्या है, ये ब्लैक बोर्ड बनाया था, और यहाँ पे जो फ्लोर पे कर रही है वो इनकी रंगोली है। और अनिका क्या कह रही है, क्या लगी है बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, कह रही है इतना गोदना है ना, बहुत मेहनत का काम ना। किचन में इतने कॉकरोच हो गए थे, अभी हम लोग घर गए हुए थे तो उस टाइम पे क्या था मतलब खाली रहा तो काफ़ी ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे, तो बस अभी जो है आज हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो कुछ कुछ सामान तो ये हम देखिए तरह से लेके आ गए हैं, ये मास्क लगा के पापा के साथ स्प्रे कर रहा था किचन में, और अभी ये कर ही रहे हैं। आप देखिए किचन के डोर जो है वो बंद है, नीचे कपड़ा हमने फंसा दिया है जिससे कि बाहर एकदम से कॉकरोच ना आए, तो अभी रात भर स्प्रे करके ये बाहर आ जाएंगे, और फिर मॉर्निंग में मैं हाल दिखाऊंगी कि किस तरह से वो कॉकरोच मरने वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए, कोई भी बर्तन यूज़ करना रहता है तो उसको धोके फिर हमको यूज़ करना पड़ा था, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हर जगह पे दिख रहे थे, छोटे छोटे भी बहुत हो गए हैं, बड़े भी बहुत हो गए हैं, तो सभी हो किस्म के कॉकरोच हो गए हैं। तो आज हम स्प्रे कर रहे हैं, तो होपफुली देखते हैं अच्छे से सब हो जाए। तो ये देखिए ये गया है, मुझे तो बहुत डर लगता है कॉकरोच एकदम से ऐसे ऐसे दौड़ते हैं ना, तो मैं तो नहीं जा रही हूँ। और मम्मी को अभिनिका इन दोनों को उस रूम में बंद कर दिया है, और इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हमने बाहर रख ली हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं फिर सुबह मॉर्निंग में साफ़ करते हुए टाइम पर उसको अच्छे से वॉश कर लिया जाएगा। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है, ये अंदर स्प्रे कर रहे हैं, नीचे कपड़ा भी लगा दिया है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, अगर आपको ये व्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।